2018 विकी कौशल के लिए बहुत अच्छा गया और 2019 में वो लेकर आ गए हैं उरी, जो कि पेस्टेस सर्जिकल स्ट्राइक्स पर जो इंडिया ने की थी पाकिस्तान के अगेंस्ट। और इस फिल्म में काफ़ी और भी कलाकार दिख रहे हैं, जैसे यामी गौतम, परेश रावल और भी बहुत सारे, और मोहित रैना इस फिल्म से कर रहे हैं अपना बॉलीवुड डेब्यू। तो चलिए जानते हैं रिपोर्टर्स से कि उन्हें ये फिल्म कैसी लगी, क्योंकि आज है इसका प्रेस शो। अच्छी लगी, अलग, मतलब बोल सकते हैं कि एक नेचुरल फिल्म थी, देशभक्ति की फिल्म थी, देशभक्ति का जो जज्बा देखने को मिला बहुत ही इंटरेस्टिंग था। अच्छी मूवी अच्छी है। जो यूरी पे हमला हुआ था उसके अगेंस्ट में सीक्रेट मिशन जो किया गया था, वो काफ़ी लोगों को नहीं मालूम, इस देश के काफ़ी जनता लोगों को नहीं मालूम, तो इस फिल्म के थ्रू वो चीज़ दिखाई गई है, तो सराहनीय प्रयास है, बहुत बढ़िया है। अगर फिल्म देखा जाए तो मनोरंजन के हिसाब से अच्छी है, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर देश में कई सारी बातें होती हैं, तो इसके ऊपर आरोप भी लगे हैं कि प्रोपोगंडा है, तो कहीं कहीं उसकी झलक नज़र आती है। लेकिन अगर सिर्फ मैं फिल्म के तौर पर अगर देखूं, तो मनोरंजन से भरपूर है और देशभक्ति भी जागती है, बहुत अच्छा लगता है देखने में। रियल इंसिडेंट पर फिल्म बेस है, बस जस्ट हमारे 2 साल पहले का ये इंसिडेंट है एक्चुअली, जो सर्जिकल स्ट्राइक हमने की थी और हमें उसमें फतेह हासिल हुआ था, इट्स वॉज अ प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया। तो ये क्या कारण था एक्चुअली, मतलब सर्जिकल स्ट्राइक करने का क्या कारण था, इसके पीछे क्या मकसद था, वो टोटली पूरा बताया गया है इस फिल्म के अंदर। कि हमने कभी भी इस तरह से बताया गया कि हमने कभी भी हमारे जो दुश्मन मुल्क है वहाँ पर कभी भी हमने कोई भी पहले पहल नहीं की है, कभी भी हमने अटैक नहीं किया, मगर जब भी किसी भी तरह का वहाँ से अटैक हुआ तो हमने मुँह तोड़ जवाब दिया है। और ये जो एक जो जवाब था इस फिल्म के द्वारा, वो एक बहुत बड़ी जीत थी हमारे लिए। और मतलब इट्स अ रीसेंट टाइम एक्चुअली फिल्म, तो एवरी वन कैन रिलेट, इवन द यंगस्टर्स नोज अबाउट द सर्जिकल स्ट्राइक। तो वो एक्चुअल उसका किस तरह से एग्जीक्यूशन हुआ, क्या कारण था, कितना वक्त लगा, तो ऑल दोज थिंग्स हैव बीन शोन इन द फिल्म। विक्की कौशल तो नो डाउट अच्छे एक्टर हैं, और कहीं भी वो विक्की कौशल नहीं लग रहे थे देशभक्त के जो एक मिलिट्री ऑफिसर्स होते हैं वो वैसे ही लग रहे थे। परेश रावल कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो भी अच्छे एक्टर हैं, वो भी उन्होंने अपना, यानी अगर बोलने जाए तो हर एक इंसान जो एक्टर था इस फिल्म में, छोटे से छोटे एक्टर ने भी अपना रोल बहुत अच्छे से निभाया। देखिए ये पिक्चर थोड़ा एंटरटेनिंग के हिसाब से नहीं है, हर फिल्म आँख मारे नहीं हो सकती अभी बीच में रणवीर सिंह होता तो शायद आँख मारे भी डाल देते लेकिन अलग टाइप की फिल्में, लाइक हकीकत थी, बॉर्डर थी, इन फिल्मों को भी एक देखा जाता है, पसंद किया जाता है, तो वो उस टाइप की फिल्म है। हम फॉरेन की फिल्म्स देखते हैं ना इतनी अच्छी अच्छी, उसमें ना कोई मसाला फिल्म नहीं होता है, ना रोमांस होता है, लेकिन फिर भी पब्लिक पसंद करती है, वो ये उसी कैटेगरी में आती है। ब्यूटिफुल परफॉर्मेंस, एवरी एक्टर हैज परफॉर्म्ड परफेक्टली, इट्स ग्रिपिंग, यू नो, यू इट्स एज ऑफ द सीट एक्साइटमेंट टू गेट इन दिस, एंड पैट्रियोटिक, इंडियन आर्मी इज इन द वॉर, एवरी इंडियन मस्ट वॉच दिस फिल्म, हर भारतीय को इस फिल्म को देखना चाहिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद। विक्की कौशल की बहुत तारीफ करनी बनती है, बहुत अच्छी उन्होंने अदाकारी की है, अदाकारी सबकी अच्छी है, डायरेक्शन बहुत अच्छा है, सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी है, बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा है, एज अ फिल्म मुझे बहुत अच्छा लगा। बीच बीच में जो राजनेताएँ दिखाए गए हैं, जो वो सारी चीज़ें हैं, अगर वो ना भी होती तो फिल्म बहुत अच्छी थी, लेकिन कहीं ना कहीं आने वाले इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए इस फिल्म को प्रेजेंट करने की कोशिश है, बट वो सारी चीज़ें अगर छोड़ दी जाए तो फिल्म बहुत अच्छी है, मनोरंजन होता है। परफॉर्मेंस विक्की कौशल इज़ वेरी गुड, अभी वो हमको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कि विक्की कौशल ने अपना लोहा मनवा लिया है, एज एन एक्टर इज़ अ वेरी फाइन एक्टर। यामी गौतम का थोड़ा सा काम है, मोहित रैना वॉज क्वाइट, बहुत अच्छे लग रहे थे, हालांकि उनका स्पेशल अपीयरेंस है, बट ही लुक्स क्वाइट अपीलिंग। तो ओवरऑल द फिल्म इज गुड एंड इट्स अ वन टाइम वॉच, यू कैन डेफिनेटली वॉच। 4-3 स्टार्स आ रहे थे, 5 में से 3.5 था, आई विल गिव 3 स्टार्स। 5 स्टार्स, एक्चुअली आउट ऑफ 5 स्टार्स आई गिव 10 स्टार्स। तो कुछ ऐसे थे रिपोर्टर्स के ओपिनियंस। आप कितने एक्साइटेड हैं उरी देखने के लिए हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। एंड दिस इज साक्षी अरोड़ा विद कैमरामैन दीपक, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें बॉलीवुड नाउ पर।